हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डे 15 लेकर के आ गए हैं हम। जल्दी से देखिए डे 15 का टाइम टेबल आज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टाइम टेबल जो है वो एसएससी, आप सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं तीनों टाइम टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ आप, चार सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स। ठीक है, तो जो स्टेनोग्राफर वाले हैं वो उस मैथ्स के टाइम पर शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी सभी में मैथ सभी एग्जाम्स में आता है तो वो मैथ उस हिसाब से पढ़ेंगे। 4 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है, हालांकि मैंने इसमें मेंशन 3 महीने किया है कि 3 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पढ़ करके खत्म कर लें और अगले 2 महीने फिर जो है वो रिवीजन स्टार्ट करें आप लोग। ठीक है, इसके लिए कोट विकास सर का, कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आगे आते हैं, और बाकी के मोटिवेशनल स्पीच के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए पॉलिटी में लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक से आपको क्या पढ़ना है आज? आज आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या है तो मैं बता दूं, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का है। ठीक है, आर्टिकल 52 इनके बारे में पढ़ना है, फिर आर्टिकल 54 नेक्स्ट में लूसेंट के पेज पे उसी पे दिया गया आर्टिकल 54, फिर दिया गया है आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 61, ये पूरा पढ़ते चले जाइएगा, और आर्टिकल 70, ये आर्टिकल 70 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी लोग हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के हैं, सभी के लिए है ये टाइम टेबल। और आपको रिवीजन क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको रिवीजन क्या करना है, हमने जैसा कि आपको बताया था संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले जितना भी है वो सारा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, लूसेंट की बुक से। प्रीवियस ईयर की बात करें अगर हम, तो ये जो सेट लिखा हुआ है सीजीएल का, हालांकि मैं कट कर दूंगा, ये भूल गया मैं कट करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, 25 पॉलिटी के क्वेश्चन जीएस के, 25 पॉलिटी के क्वेश्चन जीएस में पढ़ने और 25 हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, अब ये कहां से पढ़ना है अगर हम बात करें तो आप पिनाकल की बुक ले लीजिए, किरण की बुक ले लीजिए, किसी भी बुक से, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। हिस्ट्री 25 क्वेश्चन और पॉलिटी 25 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अदर टॉपिक जो है वो आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बजट। खत्म हो गया था ना, बजट के बाद में शेड्यूल क्या किया था मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट, और वो आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते जाइए आप सभी। और बजट के बाद, हाँ, अभी अभी भारत रत्न पढ़िएगा, भारत रत्न 2024, भारत रत्न 2024 कहां से पढ़ना है आपको, क्रेजी जीके ट्रिक पर। अभी रिसेंट में ही वीडियो पड़ी हुई है भारत रत्न 2024 की, 21 मिनट की वीडियो है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जैसे मैं स्टैटिक जीके का टॉपिक बता रहा हूं, तो इसका आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जैसे हमने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स खत्म की, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप गलती कर रहे हो, फिर बाद में ये मत कहना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना, या तो अभी से नहीं बनाया है तो आज से बनाना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद बजट हमने बताया, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म किए, और आज भारत रत्न 2024 जो है वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश में वोकैब्स पढ़ने, देखिए हम लोग 150 के तरफ बढ़ चले हैं, 140 से 150 तक वोकैब्स आपको, 10 वोकैब्स आपको पढ़ना है, और वोकैब्स में आपको साइनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन के लिए 1 से 30 रिवीजन करना है, और फिर 100 से 110 रिवीजन करना है, यानी कि ये 40 रिवीजन के लिए रखिएगा। ठीक है, ग्रामर में आपको अभी वही पढ़ना है क्या हमने दिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है, सॉरी नाउन दे रखा है हमने ना, सॉरी भाई सॉरी, नाउन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल पर अप्लिंक टू पैरामाउंट बुक सोल्यूशन की वीडियो पढ़ने जा रही है लाइव, उसकी डेट जो है वो आपको बता दी जाएगी आज ही आपकी वीडियो में, आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाइएगा, वहां मिल जाएगा, शेड्यूल हो जाएगी आज ही। और आज शाम को प्लिंट टू पैरामाउंट बुक सोल्यूशन की क्लास होगी, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा, वो पूरी क्लास ज्वाइन करिए आप, आपको बेहतरीन नॉलेज ना मिले तो कहिएगा। ठीक है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा उस क्लास में। प्लिंट टू पैरामाउंट के चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे और चैप्टर लास्ट तक जाएंगे।
अगर आप लोगों का साथ पूरा रहा तो। ठीक, आगे देखते हैं। इडियम्स आपको 60 से 65 पढ़ने हैं, और वन वर्ड्स आपको 60 से 65 पढ़ने हैं। प्रोवर्ब अभी रहने दीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है, 45 मिनट तक न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप कोई स्टोरी टेलिंग की बुक ले लीजिए। क्लोज टेस्ट आपको लगाना है 2 क्लोज टेस्ट, और पैसेज भी लगाना है 2। अब ये कहाँ से लगाना है, नियॉन क्लासेज पे निमिषा बंसल मैम, मनीषा बंसल, निमिषा बंसल कोई मैम है एक, ठीक है मैं क्लियर नहीं हूँ सॉरी, नियॉन क्लासेज पर उनकी वीडियो पड़ी हो। नियॉन क्लासेज क्लोज टेस्ट डालना, प्लेलिस्ट नियॉन क्लासेज क्लासेज पैसेज प्लेलिस्ट आ जाएगा। उनमें में से 2 वीडियो आपको देखना है, और उनमें वो जो ट्रिक बता रहे हैं उसे नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमने इसमें ब्लड रिलेशन दिया है, तो आपको अभी भी ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रीजनिंग में, रीजनिंग के टॉपिक में। और 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लगाने हैं आपको, 10 क्वेश्चन एनालॉजी के लगाने हैं आपको। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस में चलेगा। जो भी मैं बोल रहा हूं आपको, ब्लड रिलेशन बता रहा हूं कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, तो उसका नोट्स बना लेना। मैं डेली जो जो चैप्टर में कवर करूंगा, मैं सपोज आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया, तो मैं डेली दूंगा आपको 10 क्वेश्चन लगाने को। रही बात मैथ्स की, तो मैथ में आप प्रॉफिट लॉस का आप लगाएंगे क्या? हाँ मैथ्स में, सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। रेशियो दिया था पढ़ने के लिए मैथ में, अब आगे से मैं लिख के यहाँ लाऊंगा। रेशियो दिया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो गगन प्रताप सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे अभिनय सर हो, किसी से भी पढ़ सकते हैं। बस पढ़ते जाइएगा, सारे टीचर बेस्ट हैं। जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, एक टीचर को पकड़ लीजिए, उनसे पढ़ते चले जाइए। अगर हमारी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं समझ में आई तो अनलाइक का बटन है वो दबा दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात मेरी सुन लीजिए। शाम को क्लास है प्लिंट टू पैरामाउंट सोल्यूशन की। टाइम जो है वो मैं बता दूंगा, लाइव शेड्यूल अभी मैं थोड़ी देर में कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको जाकर के देख लेना। पूरी क्लास बेहतरीन होगी, जितने लोग जुड़ेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो बेहतरीन नंबर एक की क्लास। मैं अभी तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है तो उसमें रखूंगा, और अगर उसमें एक लिमिट में रखूंगा, इससे ज्यादा भी जुड़ते हैं ठीक है तो डेली कर दूंगा, अदरवाइज सैटरडे संडे चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर ही मोटिवेशन आना चाहिए। बाकी चीजें बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, आप एक बार जरूर देखिएगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो पूरा प्लेन टू पैरामाउंट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।